मित्रों, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है तो हमारी मृत्यु, जिसे चाह कर भी इंसान टाल नहीं सकता। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़ कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा का क्या होता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया मृत के बाद यम दूत ने लोक में दो यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए ले जाते हैं। इन 24 घंटे में मृतक के परिजन अंतिम संस्कार के कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक आत्मा के लिए किए गए कर्म दिखाए जाते हैं। इसके बाद यमदूत आत्मा को उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों के बीच आत्मा रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा परिजनों के साथ रहती है। इसके बाद फिर से आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच आत्मा 3 अगल अगल मार्ग में दिखाए जाते हैं। अब इनके इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा या उसके जीवन में किए गए कर्म पर ही निर्धारित होता है। मित्रों, पहला आरक्षी मार्ग यानी देवलोक का मार्ग, दूसरा धूम मार्ग मित्रलोक का मार्ग बताया गया है, तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश का मार्ग यानी नर्क यात्रा भी होता है। आप नया पुण्य को निर्धारित समय भोगने के बाद आत्मा को फिर से भोगने के बाद आत्मा फिर से शरीर मिलता है। यही नहीं, मृत के बाद कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक का मार्ग पर पड़ने वाली बैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है पुण्य आत्मा बड़ी आप से पार कर लेती है, अपने आप से पार करे, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। गरुड़ पुराण बताया गया है कि पक्षी राज गरुड़ जी श्री हरि से पूछते हैं, फिर वो यमलोक के बीच जो बैतरणी नदी में निर्धारित है उसके जीव आत्मा का क्या संबंध है और उसी नदी में कैसे साझा सुकर्मती पड़ती है? इस जिसके जवाब में भगवान श्री हरि ने कहा, हे गरुड़राज जी, भी पापी आत्मा इसी नदी में प्रवेश करती है। वे रक्त रूपी पात्र में घी की तरह खोने लगती है। इस नदी का रक्त रूपी नदी की कीटाणु और बंजर के समान सूंड़ वाले जीवों से भरा पड़ता है। साथ ही नहीं, घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके जैसे अनेक हिंसक मांस भक्षक जल भक्षण से हुई है। नदी में जैसे पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वह 12 सूर की गर्मी से कपने लगती है। उसे महापानी आत्मा पिलाते हुए करों थोड़ा पिलाप करने लगता है। तब उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। मित्रों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें नर्क भेजा जाता है, वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने वाले को नर्क में दंडित किया जाता है, वहीं अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिन आत्माओं का स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज एवं भगवान से स्वर्ग तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं स्वागत करती हैं। वहीं जो लोग अपने बुरे बारे में सोचते हैं, जीवन भर अपने का हित का चाहते हैं, उन्हें नर्क में स्थान मिलता है। बताएं गरुड़ पुराण में अगले नरकों का फिक्र किया गया है, जो दूसरी आत्माओं को पापों की सजा मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में तांत्रिक नर्क में कहा जाता है, पद पत्नियों की आत्मा के लिए साथी को लाभ उपयोगी वस्तु समझते हैं। इस नर्क में उन आत्माओं का मारा जाता है। यह सिलसिला बहुत तेज गति से चलता है। तंत्रंत नर्क में उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति हड़पी है। उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक बेहोश ना हो जाए। दोबारा होश आने पर फिर से उन्हें लवलुहान किया जाता है। यह सिलसिला जब तक चलता है जब तक साजा का समय समाप्त ना हो जाए। कुंभी का पाकम नर्क में शिकारी लोगों को आत्मा को लाया जाता है, जो अपने
शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यह साझा करने पर उन्हें खौलते तेल में उबाला जाता है और अष्टापाश्रम नरक में वे लोग आते हैं जो अपने से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। इस नरक में उन लोगों की आत्मा को फेंका जाता है। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से छलने दिया जाता है जब तक कि वे बेहोश ना हो जाएं। गर्व पुराण में काला सूत्रम नरक में बताया गया है कि यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कर्म बड़ों का आदर नहीं किया है। इस नरक में बुरे कर्म करने पर गर्म जमीन में तब तक रखा जाता है जब तक उन्हें आत्माओं की समय समाप्त ना हो जाए। तो मित्रों देखा अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, इसके साथ देखा आत्मा को किस हिसाब से स्वर्ग में या नरक में स्थान मिलता है। आपकी आज की वीडियो के में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। साथ ही मुझे दें इजाज़त वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आपका परिवार खुशी से हमेशा बन सलामत रहे। धन्यवाद।